अब बेसिकली एक होता है इंटरव्यू मिल गया, अब एक होता है इंटरव्यू मिलेगा कैसे, तो कैसे वो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, जनरली कैसे मुझे वो गूगल का इंटरव्यू मिल सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। करेक्ट, मेरे को कैसे रीच आउट किया था मैं वो भी बता देता हूँ। इनफैक्ट आपको भी तो रीच आउट किया था, बता रहे थे थोड़ा कॉलेजेस में जाओ तो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करो, तो घबराए हुए से हैं कि यार रिसेशन आ गया है, हमारी कैसे जॉब लगेगी। तो कुछ सीनियर्स होते हैं आके बोलते हैं CGPA इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बाद में आके मेरे को पता चला कि ये तो यार सेकंड ईयर के सीनियर्स हैं जिनकी खुद की नहीं लगी अभी, वो आगे बोल रहे हैं CGPA इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बट आपके क्या थॉट्स है कि जैसे कॉलेज में होता है ना बंदा, यार मुझे तो अमेज़न ही जाना है या मुझे तो माइक्रोसॉफ्ट ही जाना है, मुझे तो गूगल ही जाना है। अभी आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, इनफ टाइम है, जस्ट पुट एवरीथिंग इन योर प्रिपरेशन। हाय, मायसेल्फ पारेख हियर सर, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और यार ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैंने फराज सर को बुलाया है। आई थिंक उनका आपने यूट्यूब चैनल ऑलरेडी चेकआउट करा होगा, फराज नाम से ही है। वहाँ अमेजिंग टेक गाइडेंस वीडियोस आती रहती हैं, पॉडकास्ट आते रहते हैं जो बहुत कुछ हमें अपनी लाइफ में चीजें सिखाती हैं कि कहाँ अपनी स्किल्स में एक्सेल कर सकते हैं, DSA कैसे अच्छे से कर सकते हैं, डेवलपमेंट कैसे अच्छे से कर सकते हैं। तो चैनल को तो चेकआउट करना ही, एंड डेफिनेटली इस वीडियो में तुम्हें बहुत ज्यादा सीखने को मिलने वाला है क्योंकि हम फराज सर से पूछने वाले हैं उनकी गूगल की प्रिपरेशन जर्नी के बारे में कि यार जनरली अपनी प्रिपरेशन जर्नी कैसे अच्छे से कर सकते हैं, क्या हमें ध्यान रखना है जो हम अपनी जर्नी में गलतियां ना करें। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लेट नहीं करते और चलते हैं और फराज सर से बातें करते हैं। हाय फराज, वेलकम टू द चैनल, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए पारी कैसे हैं? बस बस बढ़िया बढ़िया, कैसे चल रहा है आपका गूगल में काम? सब बढ़िया चल रहा है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आने वाले टाइम में, आप देखेंगे। अच्छा अच्छा, बढ़िया है बढ़िया है। तो सर मेरा ना ये बेसिकली थोड़ा इस वीडियो का एजेंडा था, जनरली गूगल लोगों की ड्रीम कंपनी होती है एंड सब लोग एस्पायर करते हैं कि एक दिन गूगल में जाके काम करना है। मुझे आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी करा होगा, 2-3 बार किया था कॉलेज टाइम में। श्योर, तो बेसिकली वही था कि जनरली एक बंदे को अपनी जर्नी में कैसे वो गूगल टाइप ऐसी कंपनी क्रैक कर सकता है, क्या क्या उसको ध्यान रखना है, एंड जनरली काइंड ऑफ रोड मैप मिल जाए चीजों को ध्यान रखने वाला, गूगल की प्रिपरेशन का, गूगल में जाके क्या काम होता है, ये सब अच्छे से उसको पता हो सो दैट वो इंडस्ट्री रेडी पहले से बन पाए और जो आपने करी गलतियां या जो हम लोगों को इंडस्ट्री में नहीं करनी चाहिए वो उससे अच्छे से सीख पाए, है ना? तो ये फोकस है। तो सबसे पहले तो आपके बारे में डिस्कस करते हैं कि जैसे गूगल के लिए अगर हमें एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाना है तो जनरली मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो गूगल पूछता है कि यार ये तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे इंटरव्यू में, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट, कि क्या होंगे वो टॉपिक्स? ऑलराइट, तो यार गूगल का ना एक सिंपल सा फंडा रहता है कि यू शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर टू बी एट गूगल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, एंड आपको पता है गूगल किस स्केल पे काम करता है। बिल्कुल राइट, सो दे फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब आपको पता ही होगा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, जिससे आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स का भी आइडिया लग जाता है एंड कितने अच्छे से आप प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो, समझ सकते हो, कॉर्नर केसेस टैकल कर सकते हो, राइट? अब DSA में भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। ग्राफ बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मतलब आप एक बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस ग्राफ से बना सकते हो। ओके, राइट। सो जब मैंने तैयारी करी थी तो मैंने भी रिसर्च करी कि यार कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे फोरम होते हैं, वहाँ पर जाके चेक किया। आई फाउंड कि ग्राफ इज द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक। ओके, इसलिए मैंने ग्राफ पे फोकस किया, बाकी सारे जो एल्गोरिथम थे, डेटा स्ट्रक्चर्स थे, मेरे को पहले से आते थे थोड़े से। ओके, ग्राफ्स यू आर कंसीडरिंग कि एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाकी वही लिंक्ड लिस्ट, टैग्स, क्यूज, हैश मैप, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये तो है ही स्टैंडर्ड, ये तो है ही, ये स्टैंडर्ड है। ये ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करते करते कहीं यूज हो सकते हैं, मतलब एक टाइप से, मतलब साइड वाले जो अपने डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन मेन फोकस जो है वो ग्राफ पे ज्यादा रहता है, दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड। बाकी यार देखो सबका अपना अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। श्योर, राइट। हाँ, लेकिन वो नहीं है कि उस लेवल तक पहुंचे आपसे एकदम फैन विक्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया, एडवांस लेवल का, गिने चुने लोगों ने किया होता है, वो सबने नहीं किया होता है, राइट? दे वांट कि टॉपिक सबने किया हो और बंदा अच्छे से अप्रोच कर पाए, बेसिक्स जान करके एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। बिल्कुल, तो यू आर सेइंग कि 12 क्वेश्चंस आ सकते हैं डेफिनेटली, है ना? ग्राफ्स के एकदम हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उतने लेवल नहीं बट बेसिकली अच्छा खासा टफ क्वेश्चन जो मुश्किल हो सोचना वो आएगा। बिल्कुल, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है ना तो आप धीरे धीरे करके उन क्वेश्चंस पे अप्रोच कर पाओगे। श्योर, राइट, कुछ ऐसा नहीं होगा कि इन्फॉर्मेशन मिसिंग है आपके पास। श्योर श्योर, ठीक है। तो अब जैसे आपने इंटरव्यू दिया होगा गूगल का, तो जनरली एक बंदे में आपने बोला प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, राइट, बट एक बंदे में जैसे एक राउंड होता है उसमें वो क्या क्या देख रहे होते हैं कि वो बस प्रॉब्लम सॉल्व कर दे या कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करे, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट, कि मेरे को अगर गूगल का इंटरव्यू देना है तो मेरे को ये चीजों का ध्यान रखना है कि भाई ये मेरे में वो देखेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो मैंने आपको बता दिया कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम होता है, अब उसमें भी ऐसा नहीं है कि मतलब बेसिकली आपको बस सॉल्यूशन बता के निकल जाना है, यू हैव टू गिव द सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, उसको जितना ऑप्टिमाइज हो सकते हैं उतना ऑप्टिमाइज करते हैं, उसके बाद यू हैव टू राइट द कोड, कोड बहुत क्लीन तरीके से कि वो रीडेबल हो। श्योर,
कोड देख के पता चलना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो वहां पर. आफ्टर दैट स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, राइट. सो दिस इज अबाउट टेक्निकल राउंड्स. अब अपार्ट फ्रॉम दैट एक और राउंड भी होता है, गूगलीनेस राउंड. इसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता. तो गूगलीनेस राउंड में ना ये देखा जाता है कि आप कल्चर वाइज क्या कंपनी में फिट बैठेंगे, क्या आप मतलब बेसिकली कंपनी की कल्चर में अपने आप को ढाल पाएंगे या नहीं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें. ओके ओके. और जैसे एक घंटे का इंटरव्यू होता है तो उसी के अंदर कोड भी करना है, उसी के अंदर सॉल्यूशंस होना, सब कुछ करना है, राइट. 45 मिनट्स का इंटरव्यू होता है. 45 मिनट्स का. तो उस 45 मिनट्स के इंटरव्यू में यू हैव टू लिसन टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्लेरिफाई द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, स्टार्ट विथ एन अप्रोच. अप्रोच करने के बाद उसको आपको कोड करना है. जब इंटरव्यूअर बोलेगा कि ठीक है नाउ लेट्स कोड दिस, उसके बाद आपको स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करनी है. ओके. ठीक है, उसके बाद टाइम बचता है तो फिर यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू इंटरव्यूअर. ओके ओके. एंड जनरली ये भी होता है ना, मैंने जो सुना है कि पहले वो एक बेसिक वर्जन देता है, फिर उसका फिर एक एडवांस वर्जन उसी प्रॉब्लम का देता है, ये भी होता है क्या? देखो ये सिर्फ गूगल का नहीं, हर किसी इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एक तो वो क्वेश्चन की वो डायरेक्टली आपसे चाहेंगे कि आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे दो, चल जाएगा. एक क्वेश्चन होता है कि जिसके मल्टीपल फॉलोअप्स होते हैं, आपसे एक चीज पूछी जाएगी, उसके बाद बोला जाएगा कि ठीक है चलो इसमें डुप्लीकेट्स भी इंक्लूड कर देते हैं, चलो इसमें लेट अस रिमूव द यूज ऑफ हैश मैप्स. इस तरीके से दे वांट यू टू थिंक. Sure. Right? They want you to tackle with the challenges. दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं. मेरे भी इंटरव्यूज में जितने मैंने आज तक इंटरव्यूज दिए ये दो तरीके के क्वेश्चन पूछे गए. एक वो डायरेक्टली जाकर के बता दूं ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और एक स्टेप बाय स्टेप चलता है. Sure. And code में आप कह रहे हो क्लीनलीनेस, मतलब फंक्शंस वगैरह यूज करो, अच्छे वेरिएबल नेम यूज करो, वो काफी क्रिटिकल है. Int x, int y, इन सबसे थोड़ा सा अवॉइड करके. वेरिएबल नेम्स होते हैं ना, वो बताना चाहिए कि वेरिएबल क्या स्टोर करने वाला है. राइट. फंक्शन नेम्स शुड टेल कि फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है. Sure. नहीं काफी सही है, काफी सही है. आई थिंक दिस विल रियली हेल्प द स्टूडेंट्स. ठीक है सर, आई थिंक पता लगा कि गूगल ये पूछती है एंड ये इंटरव्यूज में जनरली हमें फोकस करना है. अब बेसिकली एक होता है इंटरव्यू मिल गया, अब एक होता है इंटरव्यू मिलेगा कैसे. तो अकॉर्डिंग टू यू कि भाई देखो आई थिंक इंडिया में बहुत सारे कॉलेज में तो ऑन कैंपस आती नहीं है, ऑफ कैंपस आती है. आपकी भी ऑफ कैंपस थी, राइट. तो कैसे वो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, जनरली कैसे मुझे वो गूगल का इंटरव्यू मिल सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ. करेक्ट यार, इंटरव्यू जब आ जाता है ना तो आपकी आधी समस्या तो सॉल्व हो जाती है कि एटलीस्ट इंटरव्यू तो आया. राइट. उससे पहले रहती है बहुत ज्यादा भीड़. राइट. सब लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, सब लोग ट्राई कर रहे होते हैं कैंपस, ऑफ कैंपस, मल्टीपल चैलेंजेस में. तो यार इंटरव्यू मिलना एक्चुअल में थोड़ा सा मुश्किल है, बट देयर इज अ पाथ कि यार आप डायरेक्टली रिक्रूटर्स को रीच आउट कर लो. लेट्स से यू वांट टू स्विच एक्स कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहते हो, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू रिक्रूटर्स एंड शेयर योर रिज्यूमे. बस आपको ना फर्स्ट लाइन में ये बताना होता है कि आपने क्या अलग किया हुआ है. लेट्स से आपने डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम में बहुत अच्छे हैं, जस्ट टेल देम कि भाई मेरा कोड फोर्सेस पे ये रेटिंग्स है, ये रैंकिंग है. Sure. तो ये चीज़ थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है उनको भी. यू कैन ऑल्सो गेट रेफरल्स. जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको रीच आउट करो, उनसे रेफरल्स ले लो आप. रेफरेंस वाली चीज ना मेरे केस में नहीं चल पाई थी ज्यादा. Sure. मतलब मैंने माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेज़न में ट्राई किया था, कभी मेरा शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ रेफरेंस के थ्रू. जब वैसे अप्लाई किया तब शॉर्टलिस्ट हो गया डायरेक्ट पोर्टल पे जाके. सो दिस इज अनदर वे यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू द कंपनीज पोर्टल. Sure. वहां पर अप्लाई कर सकते हैं. सो दीज आर फ्यू ऑफ द वेज थ्रू विच यू कैन गेट योर इंटरव्यूज. मेरे को कैसे रीच आउट किया था मैं वो भी बता देता हूँ. मेरे को डायरेक्टली रीच आउट किया था लिंक्डइन पे. Okay. मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी अच्छे से मेंटेन की हुई थी, जहां मैं काम कर रहा हूँ, जिन स्किल्स पे काम कर रहा हूँ वो स्किल्स अच्छे से मेंशन की हुई थी. सो रिक्रूटर्स दे रीच आउट टू मी, माइक्रोसॉफ्ट से भी, अमेजोन से भी, गूगल से भी. जब आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है, यू आर मेंशनिंग एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग इन योर करंट कंपनी, तो रिक्रूटर्स रीच आउट कर लेते हैं. Sure. इनफैक्ट आपको भी तो रीच आउट किया था, बता रहे हैं. मैं वही बोलने वाला था कि मेरे पास भी आते रहते हैं आजकल पिंग, गूगल से आया मैं भी रिसेंटली एक महीने पहले. ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग, मेरे थोड़े अपने प्लान है, बट मैं आपसे वही पूछने वाला था कि ये रीच आउट तो कर रहे हैं, बट आजकल रिसेशन की भी बात हो रही है कि भाई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वाले फायरिंग कर रहे हैं, बट गूगल तो रीच आउट भी कर रहा है. तो ये क्या है, मतलब ऑफ कैंपस हम अप्लाई करेंगे, आपने बढ़िया तरीका बताया कि भाई ये कर लो वो कर लो, बट अब रिसेशन का डर बैठा हुआ है, कोई फायदा नहीं है, लोग वही लग रहा है कि रीच आउट करेंगे क्या होगा, या खुद से कौन रीच आउट करेगा क्योंकि इतना माहौल बैठा हुआ है. तो इसके अराउंड थोड़ा सा बताओ कि क्या एग्जैक्टली चल क्या रहा है. करेक्ट. तो यार जितनी भी कंपनीज, पहले तो यार देखो रिसेशन सभी के लिए आया, ठीक है, स्टार्टअप्स ने फायरिंग स्टार्ट करी, उसके बाद करते करते मतलब पूरे टेक में ही फायरिंग स्टार्ट हो गई. राइट. तो ये था कॉस्ट कटिंग का सीन. Sure. यार जो प्रोजेक्ट्स प्रायर नहीं है, जिनकी प्रायोरिटी कम है, उनको ड्रॉप कर दिया गया. राइट. वहां से लोग शिफ्ट कर दिए गए या फिर मूव कर दिए गए. राइट. अब हायरिंग क्यों हो रही है, तो यार देखो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्टिकल्स ऐसे होते हैं जहां पर अभी करंट रिक्वायरमेंट है. श्योर. राइट. AI, ML अभी बहुत ज्यादा इमर्जिंग फील्ड है, वहां पर रिक्वायरमेंट है. Sure. So, इन जगहों पे तो रिसोर्सेज डालने ही पड़ेंगे. Sure. So, वहां पर हायरिंग हो रही है. राइट. लोग शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगह से यहाँ पर. Sure. और जिन भी लोगों की फायरिंग हुई है, मतलब जो भी इन टॉप टेक कंपनीज में काम कर रहे हैं, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही गई है. मोस्टली मेरे जानने वाले जितने भी लोग हैं वो आराम से अपना सेटल हो गए हैं. सो आई थिंक ये चलता रहता है यार ये हमारे टेक इंडस्ट्री में, कि भाई जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर रिसोर्सेज डाले जाएंगे, जहाँ पर लगता है कि रिक्वायरमेंट कम है वहाँ से रिसोर्सेज शिफ्ट किए जाएंगे. बिल्कुल
एंड एग्री, आई थिंक मुझे लगता है सबको प्रिपरेशन अपने हाथ में है, वो करते रहो अपने हाथ में है। मतलब आजकल मैं क्या देखता हूँ कि जैसे थोड़ा कॉलेजेस में जाओ तो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करो तो घबराए हुए से हैं कि यार रिसेशन आ गया है, हमारी कैसे जॉब लगेगी। देखो आपके हाथ में तैयारी करना, और आपके पास अभी टाइम है तैयारी करने का। अगर आपने आपको अभी अपस्किल कर लोगे ना तो ये जो 6 महीने बाद भर के हायरिंग होने वाली है उसके लिए आप लोग रेडी हो जाओगे। बिल्कुल, करीबन 6 महीने में 9 महीने में दोबारा से कंपनीज हायर करना स्टार्ट कर देंगी जब रिसेशन का फेस चला जाएगा। बिल्कुल, रिसेशन तो यार देखो वो तो आता जाता रहता है। अगर आपको अभी का करंट सिनेरियो ऐसा लग रहा हो तो 2008 में भी ये हुआ था, 2003 में भी ये हुआ था। बिल्कुल राइट। सो अपने जो होप्स है उनको लूज मत करो यार, अपनी तैयारी करो बिंदास एकदम। बिल्कुल। और डरने की बात नहीं है, कंपनी तभी ग्रो होगी जब उसके अंडर एम्प्लॉयज होंगे, और एम्प्लॉयज तो हायर करने ही करने पड़ेंगे। कंपनी क्या है, कंपनी एम्प्लॉयज ही तो है। बिल्कुल, तो बढ़िया है सर, आई थिंक रिसेशन का भी पॉइंट बढ़िया से क्लियर हुआ। अब बेसिकली क्या होता है ना, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग अपनी लाइफ में। मैं यहाँ वही लेकर आया हूँ कि गूगल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बट आइडियली एक कंपनी के लिए प्रिपरेशन करना मुझे थोड़ा सा डेंजरस लगता है पर्सनली। बट आपके क्या थॉट्स है कि जैसे कॉलेज में होता है ना बंदा, यार मुझे तो अमेजोन ही जाना है, या मुझे तो माइक्रोसॉफ्ट ही जाना है, मुझे तो गूगल ही जाना है। अब बेसिकली ये थॉट प्रोसेस ठीक है, या इसको कैसे ठीक करें, अपने आप को कैसे संभालें? इट्स नॉट ओनली अबाउट पैकेजेस, इंटरव्यू आएगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो आप इस पे बताओ, शुड आई प्रिपेयर फॉर ओनली वन कंपनी या कुछ अलग होना चाहिए? हाँ, तो कई बार ना ऐसा टेम्पटिंग सा हम लोग को लगता है कि कुछ कंपनीज होती हैं जो हमें देख के पता चल जाता है कि ये तो बहुत हाई लेवल कंपनी, ये निकलेगी नहीं। कुछ कंपनीज होती हैं इनका पैकेज देख के हमें लगता है कि इनमें जाना नहीं है, ठीक है। अब एक कंपनी हम लोग पकड़ लेते हैं, अक्सर लोग पकड़ लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेज़न हो गया, गूगल हो गया, इनमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे, हमें इसी में ही जाना है। बिल्कुल, तो मैंने भी स्टार्टिंग में ही सोचा था जब मैंने कॉलेज में एंटर किया था, तो जब वो मैगजीन देखी थी ना, अपनी मैगजीन होती है अपने कॉलेज में, हाँ, तो उसमें मैगजीन में 1.2 CR का पैकेज था उबर का, इंटरनेशनल ऑफर। मैंने कहा इसमें जाना है पहले दिन। फिर यार पता चला वो तो इंटरनेशनल ऑफर है, ऑफर है, ऑफ कैंपस निकाला है, एक बंदे ने निकाला है बस। फिर मैंने कहा चलो गूगल पकड़ लेते हैं, अब गूगल में जाना है। इस तरीके से मैंने भी एक एक कंपनी को टारगेट किया, लेकिन जब मैंने अपने सीनियर से बात करी तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार देखो तैयारी आपके हाथ में है, इंटरव्यूज आपने बिल्कुल फोड़ दिया है, लेकिन एक चीज़ और होती है, किस्मत। किस्मत, ठीक है, आप अंदर जाओगे, बढ़िया इंटरव्यू देके आओगे, लेकिन किसी एक रीजन की वजह से हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। बिल्कुल, एंड यू शुड एक्सेप्ट दैट एंड मूव ऑन। बिल्कुल, अब आपने एक कंपनी को ही अपनी जिंदगी और माना है कि मेरे को इसी में जाना है, तो आपको कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा यहाँ पर। सो दैट्स व्हाई कीप योर माइंड ओपन, अपनी तैयारी इस तरीके से करो कि आप सारी कंपनीज को टैकल कर पाओ। राइट, बिल्कुल। बारिक, मैंने 720 क्वेश्चन किए हुए थे व्हेन आई वाज स्टडिंग फॉर इंटर्नशिप्स, ठीक है। मैंने एक महीने का गैप लिया था जस्ट बिफोर इंटर्नशिप, और एक महीने के गैप में आधे टॉपिक तो मेरे वॉलेटाइल होते उड़ गए, और बाकी आधे में कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। देन आई मेड माई सेल्फ कि भाई आई शुड सिट फॉर एवरी कंपनी विच इज कमिंग, भले ही पैकेज कम हो ज्यादा हो, जो भी कंपनी आ रही है मैं उसमें बैठा था। ये नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट का बैठ के वेट कर रहा हूँ या गूगल का बैठ के वेट कर रहा हूँ, तो ये सीन है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखो, और इवेंचुअली आज नहीं तो कल आपको जहाँ पहुँचना है पहुँच जाओगे अगर आप उतने एफर्ट्स मार रहे हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बताया आई थिंक फ्रांस ने, बहुत ही मेरे को तो काफ़ी क्लियर हुआ कि भाई एक कंपनी के लिए तैयारी नहीं करनी, बहुत डेंजरस हो सकता है। और एक और होता है ना, गूगल में सारे इंटरव्यूज फोड़े हो, टीम मैचिंग में लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। मतलब यार मैं बता रहा हूँ ना, मेरे एक दोस्त का ये सीन हुआ था, सब सारे राउंड क्लियर हो गए उसके, गूगल नहीं उसका एक्सपीडिया था शायद, और एक्सपीडिया में लास्ट राउंड जो एचआर का होता है ना उसमें रिजेक्ट हो गया। हम शॉक्ड कि एचआर राउंड में कैसे रिजेक्शन हो गया इसका। नहीं होते हैं, वो भी सीन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक मस्त है, मस्त है। तो सर आई थिंक काफी अच्छे से मुझे क्लियर हुआ, कि बच्चों को भी काफी क्लियर हुआ होगा, एक कंपनी के लिए तैयारी नहीं करनी और जेनरिक प्रिपरेशन रखो। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताओगे, आप प्रिपरेशन, जेनरिक प्रिपरेशन कैसे आपने अपने टाइम पे कैसे करी? ऑब्वियसली यू सेड DSA, बट कुछ प्रोजेक्ट वगैरह करे, या बेसिकली जेनरिक प्रिपरेशन की मैं हर कंपनी के लिए टाइप्स रेडी हो जाऊं? बिकॉज आई थिंक यू हैव डन इंटर्नशिप एट सैप लैब्स, आपने क्यूरफिट में एक साल काम करा, फिर गूगल में काम करा, तो हाउ यू बिकम लाइक इंडस्ट्री रेडी, और आपकी प्रिपरेशन जर्नी ओवरऑल कैसी थी? तो जब मैंने एंटर किया था ना कॉलेज में, जब फर्स्ट ईयर में सीनियर्स आते हैं अपने, तो कुछ सीनियर्स होते हैं आके बोलते हैं CGPA इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बाद में आके मेरे को पता चला कि ये तो यार सेकंड ईयर के सीनियर्स हैं जिनकी खुद की नहीं लगी अभी, वो आगे बोल रहे हैं CGPA इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कॉलेज में CGPA इज इम्पॉर्टेंट भाई, फर्स्ट क्राइटेरिया होता है, राइट। तो मैंने अपना CGPA, अपने सब्जेक्ट्स और डेटा स्ट्रक्चर्स प्लस डेवलपमेंट, इनको बैलेंस करके चला हूँ मैं। ऐसा नहीं कि किसी भी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा, किसी एक में बहुत कम। बिल्कुल, ठीक है। मेरी CGPA भी डिसेंट थी जब मैं इंटर्नशिप के लिए बैठ रहा था। देन मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, DBMS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, लेकिन बाकी दो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़े थे मैंने। बिल्कुल। देन DSA डिसेंट लेवल पे किया हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स, मैंने भी बेसिक्स से स्टार्ट किया था जब फर्स्ट ईयर में मैंने शुरुआत की थी। तो देन डेवलपमेंट में मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे वेब, ठीक है। ओके, सो मेरी एडवाइस यही रहती है कि अगर आपको थोड़ा सा ब्रॉड कैटेगरीज में देखना है ना, तो आप सबको थोड़ा थोड़ा सारी कैटेगरीज को कर लो। ये जो चार चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन सभी में इम्प्रूव कर लो। अब एग्जाम्पल मैं एक्सट्रीम्स का भी दे देता हूँ। तो मेरा एक दोस्त था सौरव नाम का, वो 6-स्टार कोडर कोड शेफ पे और मास्टर कोड फोर्सेस पे। तो
उसकी CGPA बहुत कम थी, 6 point something, शायद लास्ट में आते आते 7 के आसपास पहुंच गई हो, वो भी गूगल में अभी, ठीक है। उसने पहले इससे पहले वीजा निकाली थी, वीजा के बाद गूगल में आया था। तो देखो एक्सट्रीम भी चल जाते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह है कि आप बहुत फोड़ हो गए एक चीज में, जो चीज आप कर रहे हो उसमें तगड़े हो गए। डेवलपमेंट हो गया तो उसमें आपको तगड़े बनना है, ठीक है, डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो ओपन सोर्स वगैरह में। अगर आपका कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें एकदम फोड़ बन जाओ, जॉब मिल जाएगी आपको, ठीक है, बढ़िया जॉब मिल जाएगी, जहां पर आप जाना चाहते हो वहां पहुंच जाओगे। और अगर बैलेंस करके चलोगे तब भी जॉब मिल जाएगी। देखो वही है, लाइक यू हैव टू यूज योर टाइम केयरफुली। बिल्कुल, अब एक्सट्रीम वाले केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उठा लिया सीपी के, मैं तो सीपी करूंगा, वैसे डेवलपमेंट वगैरह नहीं होती है, CGPA मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, और फिर सीपी में भी मतलब आपने खराब कर लिया, वो चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं सही है, सही है, आई थिंक बैलेंस करके चलो, या एक फील्ड में इतना फोड़ दो कि कोई आसपास ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रिपरेशन आई थिंक फ्रास की काफी जेनरिक रही है, DSA में भी अच्छा करा है, डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो मेरे को तो पर्सनली मेरे को भी यही अच्छी लगती है, क्योंकि एक साइड पे फोड़ना ना मेरे को पर्सनली बहुत वो लगता है कि यार एक ही पाथ पे जा रहे हो, बजाय इसके कि 3-4 पाथ में अच्छा अच्छा कर लिया, बट मतलब ये नहीं कि कम करा, अच्छे से करा, रेडी रहे, इंडस्ट्री रेडी कर लिया कि भाई Amazon टाइप के इंटरव्यूज हम निकाल पाएंगे, गूगल टाइप के इंटरव्यूज जो पूछे जाते हैं वो कर लिया, तो आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। राइट राइट, मस्त है। तो सर आई थिंक पता लग गया आप गूगल में पहुंचना भी कैसे है, आप आई थिंक गूगल में पहुंचे थे, आपको 1 साल हो गया, राइट? Yes, गूगल में लगभग। तो कैसा रहा आपका वर्क एक्सपीरियंस वहां गूगल में, जो आपको कैसा रहा आपका पूरा 1 साल? यार देखो, स्टार्टिंग का जो पहला महीना मैंने एंजॉय किया ना गूगल में जाकर, मतलब मेरी ड्रीम कंपनी थी, मैंने इंटर्नशिप के टाइम पे भी ट्राई किया, नहीं हुआ, फुल टाइम में भी ट्राई किया, नहीं हुआ, राइट। तो जब मैं गया तो मेरे को तो बड़ा मतलब अटैचमेंट भी था पहले से कंपनी से थोड़ा सा, मैंने 1 महीने मस्त एंजॉय किया वहां पर जाके, देखा, लोगों से बातचीत करी, एक्सप्लोर किया। उसके बाद फिर जब प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हुए तो पता चला कि इन प्रोजेक्ट्स की कितना इंपैक्ट है इन प्रोजेक्ट्स का। बिल्कुल, बाहर से इतना पता नहीं चलता कि कितने लोग आपका फीचर यूज कर रहे हैं, लेकिन व्हेन यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द स्टैट्स तो आपको पता चलता है कि यस, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपने डेवलप किया है, प्रोजेक्ट बनाया, उसको यूज करेंगे। बिल्कुल। दूसरी चीज, आप जिनके साथ काम कर रहे होते हैं, आपके पीयर्स, आपके मैनेजर्स, यार मैनेजर्स आर वेरी सपोर्टिव, एंड पीयर ग्रुप जो आपका होता है ना, एक से एक टैलेंटेड बंदा मिल जाएगा आपको किसी भी फील्ड में। मान लो यार, मतलब मेरे साथ ना जितने भी लोग कोड करते हैं भाई, एक से एक बढ़िया चेस प्लेयर हैं, एक से एक बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, और कोडर तो भाई फोर हैं, कंपेटिटिव प्रोग्रामर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं मेरे साथ। तो ये चीज़ है, मतलब यू गेट टू वर्क विद द बेस्ट ऑफ पीपल, राइट, ये चीज बहुत अच्छी है। इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बहुत अच्छे लोग हैं, सपोर्टिव लोग हैं, गूगल के पर्क्स के बारे में तो आपको पता ही है। तो मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, for the past 1 year it's been a wonderful experience so far, right। और ये code review वाला भी scene होता है ना, कि भाई आपको एक अच्छा code लिखना बहुत अच्छे से आता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो जैसे कि हमने interviews में भी बताया था कि interview में भी एक clean code, एक अच्छा code, readable code required होता है, तो obviously जब इतने बड़ी कंपनी है, इतने सारे लोग वहाँ पर employees भी हैं, you should write your code in such a way कि यार वो सब लोग पढ़ करके समझ पाए कि क्या लिखा है, राइट, क्योंकि मल्टीपल पीपल आर वर्किंग ऑन सेम प्रोजेक्ट, सेम रिपोजिटरी, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीडेबिलिटी एज वेल, कि भाई बंदे को अच्छे से कोड रीड करना आना चाहिए एंड देन कोड राइट करना आना चाहिए, तो इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है गूगल में। बिल्कुल, क्योंकि वही है ना कि बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि अगर आपने खराब कोड लिख दिया, ठीक है, अनरीडेबल कोड लिख दिया, तो उसके मेंटेनेंस में कितना टाइम लग जाएगा, कितने एफर्ट्स लग जाएंगे, दैट्स व्हाई रिक्वायर्ड। मस्त है, मस्त है, आई थिंक वो चीजें इंडस्ट्री में जाके ही बहुत ज्यादा सीखने को मिलती हैं कि एक अच्छा कोड, स्केलेबल कोड कैसे लिखें, काफी सही बताया फ्राज ने। तो फ्राज, एक लास्ट एक मैसेज अगर आप स्टूडेंट्स को देना चाहो, क्योंकि थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है सबके लिए, कि यार बेसिकली मोटिवेटेड रहो और कैसे ध्यान रखें अपनी चीजों में, एक फाइनल मैसेज टू ऑल अवर ऑडियंस जो आपकी साइड से हो। करेक्ट। देखो यार, टफ टाइम्स, अच्छे टाइम, बुरे टाइम आते रहते हैं, ठीक है, सभी के लिए आते हैं। जो लोग इंडस्ट्री में हैं उनके लिए कितना बुरा टाइम था, जिनकी जॉब गई, भले वो 1 महीने के लिए हो, लेकिन थोड़ा सा ना होता है कि यार एक अच्छी खासी जॉब चल रही है, वो किसी की चली जाती है। सो आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल ट्विटर से, बहुत सारी और कंपनीज, अमेज़न से, तो सी एट दैट टाइम दे वर ऑल्सो कन्फ्यूज, बट कुछ टाइम बाद ना उनको भी जॉब मिल गई, सबको जॉब मिल गई जितने लोगों में जानता था। अब कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि इस टाइम पे डरे हुए हैं कि हमारा क्या होगा, जब हम लोग ग्रेजुएट होंगे तो कंपनीज आएंगी या नहीं आएंगी, देखो पहली चीज हायरिंग तो चल रही है, पार्क ने भी बताया, मैंने भी बताया कि हायरिंग आपके अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग वर्टिकल्स में चल रही है, स्टार्टअप्स हैं बहुत सारे जो कि हायर कर रहे हैं इस टाइम पे। द थिंग इज कि यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव योर स्किल्स, जितने भी लोग अभी हो सकते हैं हायरिंग थोड़ी सी कम हो, नंबर्स थोड़े से कम हो, सो अपने आपको इतना इंप्रूव करो कि यू स्टैंड आउट, ठीक है। और बाकी लोग यार जो थोड़ा सा टाइम लेके चीज़ें को सीखते हैं, चीज़ों को करते हैं, उनके लिए भी इट्स अ टाइम टू लर्न, एंड देन कुछ टाइम बाद चीज़ें दोबारा से सेटल डाउन हो जाएंगी। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, हर बार ऐसा होता है तो इस बार भी ऐसा होगा, नथिंग इज गोइंग टू गो ऑल वेस्ट, सो आई थिंक यू शुड ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, एंड घबराओ मत बिल्कुल भी, आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, इनफ टाइम है, जस्ट पुट एवरीथिंग इन योर प्रिपरेशन। बढ़िया है, बढ़िया है सर, मुझे तो बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड मैंने पहले जैसे इंट्रो में बताया, सर का चैनल भी है जिसपे आई थिंक बहुत सारी टिप्स आती रहती हैं, बहुत सारे रोड मैप्स आते रहते हैं, गाइडेंस वीडियोस आती रहती है, तो वो भी चेकआउट करना। आई थिंक आपको बहुत ज्यादा गूगल के रिगार्डिंग और इन जनरल
और लोगों के साथ पॉडकास्ट करते रहते हैं सर, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो डू फॉलो सर चैनल, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना वीडियो को, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।